सऊदी अरब के साथ एक ऐसी डील की है जो बाकी अरब देशों को चौंकाने वाली है। इस डील के बाद पाकिस्तान के साथ ही नाटो सदस्य तुर्की भी हैरान है। जाते जाते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को 3,000 GB 39 स्मार्ट बमों का तोहफा दिया। $290 मिलियन की इस डील में सऊदी अरब को युद्ध सामग्री, कंटेनर्स, सपोर्ट उपकरण, स्पेयर्स और तकनीकी सपोर्ट हासिल होगा। पेंटागन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। सऊदी अरब के अलावा इस समय ये हथियार इसराइल के पास है। इस बम को F-15, ग्रिपेन, F-16, F-22 रैप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही इसमें F-35 भी इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा इसे प्रीडेटर सी में भी फिट किया जाएगा और ये ड्रोन जल्द ही भारत को मिलने वाला है। GBU-39 को हथियार विशेषज्ञ काफी घातक हथियार मानते हैं। इस बम की वजह से फाइटर जेट की मैगजीन क्षमता में इजाफा होता है और जेट्स फायर एंड फॉगेट क्षमता से लैस होते हैं। ये बम कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ये बम को कितनी स्पीड से लॉन्च किया गया है या फिर किस स्पीड से लॉन्च किया गया। एक बार लॉन्च होने के बाद एक बम एक बार में दुश्मन के एयर स्पेस में मौजूद हर टारगेट को सेकेंड्स में नष्ट कर सकता है। पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने अमेरिकी कांग्रेस को एक नोटिफिकेशन भेजकर इस बात की जानकारी दे दी। कांग्रेस के सदस्य पहले ही यमन में नागरिकों की मौत पर नाराज हैं। साथ ही उन्होंने साल 2020 की शुरुआत में सऊदी अरब के लिए F-35 की बिक्री को ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन से इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है या फिर समझौता किया जा चुका है। पेंटागन की तरफ से बताया गया है कि बोइंग को इन हथियारों के लिए प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर चुना गया है। सऊदी अरब ने अमेरिका की सरकार से इन स्मार्ट बमों को खरीदने का अनुरोध किया था। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से कहा गया है कि ये बिक्री अमेरिका के विदेश नीति के अनुरूप है। इस बिक्री के बाद मित्र देश की सुरक्षा बेहतर करने में मदद का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकेगा। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से कहा गया है कि मिडल ईस्ट में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक तरक्की के लिए ये बेहद जरूरी है। अमेरिका का मानना है कि इस बिक्री के बाद सऊदी अरब के पास लंबी दूरी के और काफी गहराई में जाकर हमला करने वाले हथियारों के जखीरे में इजाफा हो सकेगा। अमेरिका ने इस बात का भरोसा भी दिलाया है कि इस उपकरण की वजह से क्षेत्र में मिलिट्री बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।